वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम चल रहा था और इसी बीच बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस एसएससी की तरफ से जारी कर दिया गया है एग्ज़ाम के पोस्टपोन को लेकर। यानी अब जो सीएचएसएल का एग्ज़ाम 20 तारीख से, यानी जो कल के डेट से होने वाला था 20 मार्च 2020 से आगे की 28 तारीख तक, उन एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। इस नोटिस में आप देख सकते हैं यहाँ पर, एज़ पर प्रिकॉशनरी मेजर इन व्यू ऑफ इमरजेंट सिचुएशन ड्यू टू कोविड-19, इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द कमीशन इन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट टू पोस्टपोन द ऑनगोइंग कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन TYEAR 1 2019 विथ इफेक्ट फ्रॉम 20/3/2020। तो 20 मार्च से जिनका भी एसएससी सीएचएसएल का, यानी 10+2 लेवल का एसएससी का ये पेपर होने वाला था TYEAR 1 का, उनका एग्ज़ाम अभी पोस्टपोन कर दिया गया है। 17 तारीख से लेकर के 17, 18 और 19, इन 3 दिनों में जिनका भी एग्ज़ाम हुआ है, इसको कोई पोस्टपोन, इसका मतलब इसकी कोई भी ऐसी जानकारी यहाँ पर नहीं दी गई है। इसलिए ये बिल्कुल, इन्होंने जिस कैंडिडेट ने भी एग्ज़ाम दिया है उसको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इस पर कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ पर अगला जो अपडेट है, सिमिलरली द जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट एग्जामिनेशन जो पेपर 1 होना था 2019 के लिए, इसको भी जो आगे 30 मार्च से ये होना था, इसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, हैज़ ऑल्सो बीन पोस्टपोन, तो इसको भी किया गया है। यानी एसएससी जेई को और सीएचएसएल के एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया गया है। जेई का एग्ज़ाम जो है वो पूरा का पूरा पोस्टपोन है, और जो सीएचएसएल का है वो 20 मार्च से 28 मार्च तक का जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया है। अगला यहाँ पर जो बताया इन्होंने कि फ्रेश शेड्यूल जो है वो दीज एग्जामिनेशन विल बी अनाउंस इन ड्यू कोर्स, कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट ऑफ कमीशन रेगुलरली फॉर अपडेट। तो आपको ये सलाह दी गई है कि आप रेगुलरली वेबसाइट विजिट करते रहें कमीशन की, और वहाँ पर आपको लेटेस्ट जो जानकारी है वो बाद में दी जाएगी कि आपका एग्जामिनेशन अब वो किस दिन से होगा। ठीक है, और फिर से मुझे लग रहा है कि फिर से आपको फ्रेश एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करना होगा, क्योंकि वहाँ पर जो डेट दी गई होगी वो चेंज होगी, या मे बी उसी एडमिट कार्ड को यूज़ करके वो करें, ऐसा कर दें कि 20 तारीख का जिनका एग्ज़ाम था, मान लीजिए बाद में अगर अप्रैल में ये शेड्यूल करते हैं, तो वो अगर 1 अप्रैल को मान ले करते हैं, तो फिर आपको कह देंगे कि 20 वाले का एग्ज़ाम जो है वो 1 अप्रैल को होगा, तो उस हिसाब से आप उसी सेंटर पर जाएं। अब ये देखना होगा कि एसएससी नए नोटिस में क्या कहता है। ठीक है, तो आज ये 19 तारीख को ये वेबसाइट पर ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है, आप वेबसाइट पर देख सकते हैं, ssc.nic.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पर आप ये नोटिस देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।